ये जो आइटम है ये अभी यहाँ पे पेस्ट होना है, मेरे को भी थोड़ा कमीशन मिलेगा मैच का। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज अपने आप को प्रिपरेशन स्टिल करनी है बैठक की, पहले तो अपनी शक्ल की प्रिपरेशन करनी है। इसके लिए मैं अपना थोड़ा हुलिया चेंज करने आया हूँ, चेंज कर लेता हूँ। ओके, तो अपनी साथ सजा हम लोगों ने कर ली है, आई थिंक ठीक ठाक ही हुई है, पता नहीं ठीक ठाक ही लग रही है। बाल थोड़े ज़्यादा उड़ा दिए उसने, थोड़ा सा नीचे बैठाऊँगा इसको, जाके बैठाता हूँ। तो अभी जस्ट बाहर निकलते निकलते मुझे ये रियलाइज़ हुआ है कि अपनी पार्किंग की जो पर्ची है वो तो मैंने खो दी है। अच्छा, ज़रूरी नहीं कि मुझे ही बाल नीचे करने पड़े, मेरा जो हेलमेट है आई थिंक उसने इनफ कर दिया होगा काम। यार छपरी टाइप तो नहीं हो गया थोड़ा? अब जब मेरे हाथ की कंघी लगेगी ना इसमें, तभी मुझे पता चलेगा कि बाल सही कटे हैं कि गड़बड़ होगी थोड़ी। तो ये जो पूरा मैस फैला हुआ है, और ये भी और ये भी और ये भी। तो हमने अपना जो सारा सामान है इसको ऑलमोस्ट पैक कर लिया। यहाँ से अभी हम निकलेंगे वेन्यू के लिए, और हम पता है सैटरडे को रात को ही जा रहे हैं, ताकि सुबह जब मैं पहुंच मतलब रात में जाके पहुंच जाऊंगा वहां पे, तो सुबह संडे को रेसलमैनिया नाइट वन देख सकूं, अच्छे से उसको रिव्यू कर सकूं, उस पर वीडियोज बना सकूं, और साथ साथ वहां से जो बैठक की प्रिपरेशन है उसे भी करूं, क्योंकि हमारा तो जब संडे को होगा तो उसकी रात से इवेंट हो जाएगा और सुबह तक जब तक रेसलमैनिया चलेगी। तो अभी टाइम हो रहा है रात के 1 बजे, और कायदे से देखा जाए तो रेसलमैनिया की जो नाइट वन है वो अभी से थोड़ी देर में शुरू हो जाएगी, लेकिन अभी हम रूम में हैं, मिस्टर चेतन एंड देन बॉडी बिल्डर गलोक सरकार, और ये नीचे क्यों बैठा है वो मुझे नहीं पता, मैंने जमीन से जुड़े हुए इंसान नहीं हूं। मुझे लग रहा है कि इसने यही वाला डायलॉग बोलने के लिए अपनी जो पोजीशन है वो रखी है। मैंने इससे मैंने खाना खाया ना, तो जमीन में बैठ के खाता हूं मैं खाना। तो ये अभी हमारा कुछ ऐसा कमरा है जो कि हमने लिया हुआ है, और यहीं से हम अपने सारे जो प्रिपरेशन है उसको अंजाम देंगे, जो हमारा मिशन है रेसलमैनिया बैठक। बट फिलहाल तो सोने का है। रिंग लाइट है ना, इसको भी मैं लेके ही आ गया था अपने साथ, इसलिए कि अगर लाइट वाइट थोड़ी सी कम भी हो तो काम चल जाए। तुमको पता नहीं रूम अच्छा लग रहा है कि बुरा लग रहा है, लेकिन जिस दिल्ली के हमने एरिया में लिया है इसके पैसे थोड़े से जेब खाली होगी भाई, ये तो रास्ते पे आ गया तभी नीचे बैठे पड़ा है। ओके गाइस, तो सुबह के बज रहे हैं बिल्कुल 5:30, रेसलमैनिया देख रहा हूँ मैं वहाँ पे, इतने धीरे से बोल रहा हूँ ताकि मैं देख सकूँ और ये सो भी सके, इनको प्रॉब्लम ना हो। पहला मैच हो गया, जॉन सीना हार गया यार। तो नाइट वन खत्म हो गई, मैंने पूरी वीडियो वगैरह भी शूट कर ली, अगर आपने मेन चैनल पे देखी होगी तो उसका मैं आपको थोड़ा अगर बिहाइंड द सीन दिखाऊं, तो ये लाइट का मैंने यूज़ किया था, यहाँ पे बेल्ट रखी थी, टीवी भी हटाना पड़ गया था, खाना वाना भी हो गया है। अब क्योंकि आज से प्रिपरेशन करनी है, मतलब अभी जाके हमको अपने वो जो बैनर वगैरह जो स्टेज वगैरह वो सब बनाना है, तो वहाँ पे मैं वेन्यू पे जा रहा हूँ, आपको साथ साथ दिखाऊंगा भी, और शायद इस ब्लॉग को मैं अभी डाल भी दूंगा बहुत जल्दी, ताकि ये बैठक से पहले आपको दिख जाए। तो चलो, जो जो चीज़ें इसने ये बोली ना ये कर रहा है वो हम कर रहे हैं। हाँ, तो मैं साथ में कंटेंट भी तो बनाऊंगा ना, तो इसलिए तो लाया हूं, ये फ्री का खाएंगे क्या? दिखा देना क्या क्या खाया है। ये खिलाया ना मैंने, और ये खिलाया, ये 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 हमारी मैन पावर है, मैन पावर। इसके डोले देखो ये। अरे टाइट करके दिखा ना, इसका ट्राइसेप हो गया, हो गया, बस हो गया। मैं इसको यूएफसी में ब्रॉक लेसनर के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ कब से, ये मानते हैं। गेबल स्टीवसन नहीं लगता गाइस कमेंट में, मैं लाया हूं इसे, मैं लाया हूँ, मेरा रूममेट है, मैं लेके आया हूँ इसे, मेरे को भी थोड़ा कमीशन मिलेगा मैच का। अरे क्या 9 to 5 वाले कमीशन के पीछे पड़ा भागते हैं भाई। क्या बोली लग रही है क्या मेरी, क्या कर रहे हो इलाज भाई, बहुत लंबा हो गया। इलाज करवा देंगे हम, इलाज करवा देंगे हम, मैं इलाज कर दूंगा तुम लोगों का। तो बाहर आ गए फिलहाल अपने होटल रूम से, अब यहाँ से हमने जो अपना सामान वगैरह वो भी इकट्ठा कर लिया। अगर दिखाना चाहूँ तो ये कहीं ना कहीं तो अभी यूज़ होगा, और बाकी ऊपर से भी अभी सामान आ रहा है, एंड देन उसके बाद अभी वेन्यू में दिखाता हूँ आपको डेकोरेशन वगैरह हम क्या करने वाले हैं। ओके गाइस, तो वेन्यू में हम आ चुके हैं, अभी यहाँ पे प्रिपरेशन चल रही है, थोड़ा बैक कैमरा से अगर दिखाऊं पे, तो ये जो आइटम है ये अभी यहाँ पे पेस्ट होना है। मैंने जो जैसे ब्लॉग में दिखाया था आपको पूरा वैसे ही नज़र आ रहा होगा, क्योंकि अभी तक कुछ हुआ नहीं है यहाँ पे, बट हो जाएगा। अभी टाइम हो रहा है, क्या टाइम हो रहा है, 1 बज के पूरा, 1 बजने के आसपास टाइम हो रहा है, तो अभी कुछ भी नहीं हुआ है यहाँ पे, लेकिन हो जाएगा यहाँ पे, स्क्रीन का डीजे का स्क्रीन का होने वाला है। ये पागल हो गया है, और ये तो अपनी मैन पावर है, हमारे पास एक नई मैन पावर भी आई है, हिमांशु पांडे, और ये हिमांशु दोनों हाँ, क्योंकि इनकी गवर्नमेंट जॉब भी है।
चलो एक बार और दिखाई देता हूँ पास से, यहाँ पे अभी जो सारा है ना, यहाँ पे अभी सब कुछ सेटिंग बैठने वाली है हमारी, और वो जो वो मैं दिखा रहा हूँ वो आगे जाके पेस्ट होगा, अभी भी दूल्हा दुल्हन वाला सेटअप ही है, बट ये तो एकदम यहाँ के जो क्रू है वो बहुत आसानी से इसको चेंज कर देंगे। और अभी ना मेरे को बहुत ज़्यादा भसड़ मची क्योंकि रेसलमेनिया की वीडियो भी जाके बनानी है नाइट वन की, और नाइट टू की प्रिपरेशन भी करनी है, और वैसे बड़े ऐसे रेयर मोमेंट होते हैं कि दिमाग एकदम ब्लैंक सा हो जाता है, लेकिन सच में अभी हो रहा है क्योंकि अपना अगर मैं तुमको शेड्यूल बताऊंगा तो पता क्या था, पहले मैं होटल में पहुंचा 10 बजे, उसके बाद सोया, उसके बाद रेसलमेनिया देखने उठा 4:30-5:30 बजे के आसपास, और उसके बाद पूरी रेसलमेनिया देखी, फिर रिव्यू वीडियो बनाई, अब यहाँ पे आया हूँ, यहाँ पे प्रिपरेशन देख रहा हूँ कि सब कुछ सही हो रहा है, उसके बाद अब दोबारा होटल जाऊँगा, फिर दोबारा से वीडियो शूट करूँगा, फिर उसके बाद दोबारा वापस आऊँगा, और उसके बाद तीसरी वीडियो दिन की शूट करूँगा। और ये तो नहीं है कि हाँ ज़्यादा वीडियो बनाऊँगा तो ज़्यादा पैसे आएंगे, वो मतलब नहीं, क्योंकि अब यही टाइम है भाई, सबसे हॉट डे होता है, तो समझ लो एक ही दिन पे दोनों काम आ गए ऐसे, बट अभी करना भी है, और आज रात में भी पूरा देखना है रात भर साथ में, वो तो खैर मज़ा भी आएगा, और फिर उसके बाद सुबह फिर से वही सिलसिला शुरू, तो कभी कभी हो जाता है ऐसा। तो मेरा जो सिलसिला है होटल से वेन्यू, वेन्यू से होटल, वो अभी भी कंटिन्यू है, अभी जो आपको सारी चीज़ें रेसलमेनिया बैठक की वो आगे ही मिलेंगी, अब सीधा जब हो जाएगा तभी हो सकता है मैं इंस्टाग्राम के ऊपर चीज़ें शेयर करूँ, तो आप इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो अगर आप नहीं आ रहे तो, क्योंकि अब जो भी जिनको आना था वो ऑलरेडी हो चुके हैं सिक्योर। अब मिलते हैं फिर आपसे शायद नेक्स्ट किसी ब्लॉग में मिलूंगा, बाकी अब वीडियो भी बनानी है रेसलमेनिया बन के बाद बहुत सारी चीज़ों की, तो टाइम भी बड़ा लिमिटेड है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना, और तब तक आप जिंदगी के मजे लो, वरना पता है ना जिंदगी आपसे मजे ले लेगी, पता दिमाग में नहीं चल रहा था कि बोलना क्या है लास्ट में।